आई हुई है करोल बाग और आज हम टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं वेज हांडी मटन। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपने चंपारण मीट तो बहुत सुना होगा नॉन वेज वाला, लेकिन आज हम वेज टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो इसकी मेकिंग देखते हैं और देखते हैं कि कैसा टेस्ट करता है चंपारण का वेज हांडी मटन। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप फूड में दिल्ली में पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम अभय हुआ। मेरी तो अभी ये शॉप जो है रिसेंटली अभी 2 महीना पुरानी है। एक्चुअली हम बिलोंग भी वहीं से करते हैं, बिहार से। बिहार में एक जगह है नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे, चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, जहाँ से महात्मा गांधी ने पहले सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है ना, वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। ये डिश जो है टोटली चंपारण का है। ये अभी रिसेंटली टाइम में पूरी देश और दुनिया इसको बहुत लाइक कर रही है। बिहार से बॉर्न है हम, चंपारण के नियरेस्ट ही है। दिल्ली में सेम उसी पैटर्न पे बना रहे हैं जो चंपारण में जिस पैटर्न पे बनता है। डिश जो है टोटली ऑथेंटिक तरीके से बनती है, जो हमारे पुराने जमाने में जैसे बना करते थे, मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं हम लोग। मिट्टी सिंगल टाइम यूज होती है, इसलिए शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है इसमें, चूंकि शुद्ध होती है। और कोयले पे बनाते हैं और ये धीमे आंच में बनती है, गैस का कोई यूज नहीं है। मेरे पास वेज में कटहल हांडी है, पनीर हांडी है, मशरूम हांडी है, ये सब मिट्टी के बर्तन में बनती है। कटहल हांडी जो है सिर्फ मेरे यहाँ ही चंपारण के अकॉर्डिंग ही मेरे यहाँ ही बनती है, और वो टेस्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं। हाँ, वेज में हमने बनाना शुरू किया है उसी पैटर्न से। फूड मेरी दिल्ली के तरफ से कोई भी व्यूअर आता है और आपका रेफरेंस देता है तो हम उसे फ्लैट 10% का डिस्काउंट देंगे, और सर्विस का खास ख्याल रखा जाए। हम लोग जो ऑयल उसमें यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल, जो पहले उसको पूरी अच्छी तरह से पकाते हैं, ये 1 से 1.5 घंटा तक पकेगा तेल। ये मेरे यहाँ कटहल की हांडी, देखिए कटहल फ्रेश कटहल आया है, अब इसकी हम कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करके आपके सामने लाइव ही इसको हम फिल करेंगे हांडी में, जो भी मसाला वगैरह मैश करके। हांडी में 4 प्लेट, ये किलो का हिसाब नहीं है, प्लेट का हिसाब है। एक प्लेट में 10 से 12 पीस होते हैं, और ये 250 रुपये का प्लेट है। एक हांडी पूरा हांडी 1000 रुपीज का है, 4 प्लेट होता है। हांडी के एक ही साइज है, चूंकि ज्यादा बड़ा साइज में रहता नहीं है हांडी ना, बनाने में फिर प्रॉब्लम होगी, तो ये छोटे छोटे हांडी ही बनाते हैं हम लोग। चंपारण मीट तो बहुत सुना होगा, लेकिन वेजिटेरियंस निराश ना हो, उनके लिए भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो भी टेस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कट चुका है, तो इसमें ऑलरेडी प्याज और डाली हुई थी, ये पहले सॉल्ट डाल रहा है इसके अंदर, प्याज इसमें। और हम लोग साबुत, चंपारण का एक मेन स्पेशलिटी है कि हम साबुत लहसुन यूज करते हैं। बाद में उस लहसुन को आप चूस के जैसे खाते हैं ना, उसमें से जो भी उसकी निकलती है वो काफी टेस्टी होती है, इसलिए साबुत लहसुन डालते हैं। इसमें कौन कौन से मसाले डालते हैं? इसमें एक तो पहले हल्दी डाल दिया उसने, फिर लाल मिर्च डाल दिया, और हमारा खुद से घर में तैयार किया हुआ मसाला हो, चंपारण मसाला जो हम वो यूज करते हैं, वो मसाला वो डाल दिया उसने। अब इसमें हम पकाया हुआ सरसों का तेल, जो हम आपको पकाते हुए पहले दिखलाए थे, वो पकाया हुआ तेल इसमें डालेंगे सरसों का, और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे। एक हांडी में 250 ग्राम से 300 ग्राम ऑयल यूज किया जाता है। देखिए, अब इस मसाले को मिक्स किया जा रहा है, बढ़िया तरीके से मिक्स कर रहे हैं। प्याज इसमें 600 ग्राम से 700 ग्राम के करीब। अब ये कटहल इसमें हम डाल रहे हैं इसको, फिर इसको मैश करेंगे। सारा कटहल इसमें डाल दिया गया है, और अब इसे अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। यस, तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया गया है। ऑयल डालेंगे। अरे वाह, तो आप देख सकते हैं कि पूरा इन्होंने तेल से इसे लगा दिया है। अब इसको हम फिल करेंगे, तो अब इसमें फिल हो रहा है, पूरी हांडी भर जाएगी, और इसको सील करके कोयले के आंच पे इसको डाल देंगे, और ये धीरे धीरे पक जाएगा 1 घंटे के अंदर। तो 1 घंटा लगता है इसे पकाने में? जी, सील इस पे ढक्कन लगा करके आटे से उसको चारों तरफ सील करके बंद कर देंगे उसको। पूरी हांडी यहाँ पे पूरी भर गई है, आप देख सकते हैं ऊपर तक भर चुकी है। अब ये सील हो रहा है, ये अब इसको हम आटे से अच्छी तरह से पैक कर देंगे, ताकि ये अंदर ही उसके भाप बन करके इसके अंदर अंदर पकता रहे। ये तो आप मार्क लगा रहे हैं? हाँ, एक्चुअली मार्क इसलिए लगा रहे हैं कि उनको पता लगे, के लिख देते हैं ताकि वो कटहल ध्यान रहे ना, क्योंकि ये सेपरेट रखते हैं, इसमें कोई मटन नॉन चिकन का कोई भी बर्तन या कोई भी करछी चम्मच यूज नहीं करते हैं। अब इसे आप कोयले पे चढ़ा रहे हैं? जी, अब ये आराम से 1 घंटे में अब पक के तैयार हो जाएगा। अब वो अपने वेट करता है फॉर 1 आवर। कटहल रेडी हो गया है, अब इसको खोल के देखते हैं क्या है। अरे वाह, आप धुआं निकलता हुआ देख सकते हैं, कितना बढ़िया लग रहा है ये, और जो धुआं आ रही है वो लाजवाब आ रही है। तो ये देखिए, अरे वाह, कितना बढ़िया लग रहा है ये, और इसे रख दिया है बोल में, निकाल के देखते हैं।
निकाला जा रहा है इसको। तो अब मैंने आपको प्रिपरेशन दिखाई है इसकी, ये ऐसे बनता है। तो एक घंटा हमारा हो चुका है, बारी है टेस्टिंग की, तो जल्दी से इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो रेस्टोरेंट है वो, उनकी जो सिटिंग है वो एयर कंडीशनड है और उनके पास वॉशरूम की भी फैसिलिटी है, तो इट्स वेरी गुड रेस्टोरेंट एंड फैमिली रेस्टोरेंट है। मैंने ये ले लिया थोड़ा सा, और प्रॉपरली कुक्ड लग रहा है मेरे को, बहुत ही गर्मा गर्म है, एंड मैं इसे लूंगी रोटी के साथ। और ये सर्व करते हैं विद मिंट चटनी और अनियन के साथ। मैंने ले ली यहाँ पे बटर रोटी, तो इसे लिट्टी के साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं, इनके पास लिट्टी भी अवेलेबल है। जो कटहल है आप देख सकते हैं गर्मा गर्म है और बहुत प्रॉपरली कुक्ड हो गया, काफी ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा स्पाइसी साइड है जैसे यूजुअली चंपारण मीट होता है, पर कुक्ड है, मेरे को तो मजा आ गया। वेजिटेरियंस के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप यहाँ पे आए और यहाँ का कटहल हांडी तो एक बार आप जरूर ट्राई करें, बहुत ही ज्यादा वर्थ इट है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, डिलीशियस है। एड्रेस है ये देश बंधु गुप्ता रोड है, बिष्णु मार्ग के चौराहे पे ये दुकान है, एकदम कॉर्नर की दुकान है, देश बंधु गुप्ता रोड करोल। टाइमिंग दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक, नहीं ट्यूजडे को ऑफ रहती है, बाकी 7 डेज ओपन रहती है। 9991956445।